हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप में से ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि हमें क्वेट से एक वीजा मिला है, क्वेट का वर्क वीजा जो रिसेंटली मिला है, जिसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है। आप में से ज्यादातर लोगों ने उस वीडियो को देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मेरा हाथ में वही वीजा है एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्वेट का वीजा कैसे आपको चेक करना है, वीजा ओरिजिनल है या फेक है, वीजा किस काम का है, किस कंपनी का है, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को दिखाऊंगा। 2022 में मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है क्वेट का वीजा कैसे चेक करना है इस टॉपिक पे, लेकिन लोगों को हमेशा अपडेट चाहिए, हमेशा लोगों को रिसेंट अपडेट चाहिए। इसलिए आज मैं फिर से एक वीडियो डाल रहा हूँ क्वेट का वीजा कैसे चेक करना है 2023 में, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है। लोग पुराना वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं पहले कुछ और तरीका था, अभी तरीका भी बदल गया है। उस तरीका में आप अपना वीजा को चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका वीजा में क्या दिखाता है, वेटिंग फॉर अप्रूवल है या फेक है या ओरिजिनल है, सब कुछ आज के वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो गाइस, ये जो वीजा मेरे हाथ में है ये इलेक्ट्रॉनिक वीजा है, जिसे हम ई वीजा कहते हैं। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, जैसे स्क्रीन के साइड पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर से हम सर्च करेंगे प्ले स्टोर में क्वेट वीजा ऐप। अगर हम क्वेट वीजा ऐप सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन दिखाई देगा एंड इसी एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना है। एक बार जब हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो हम ओपन करेंगे। ओपन करने का साथ ही साथ आप लोगों को दो ही ऑप्शन दिखाई देगा, एक इंक्वायरी का, एक स्कैन करने का। इंक्वायरी में अगर हम क्लिक करेंगे तो वहां पे हम वीजा का जो डिटेल्स है, वीजा का वीजा नंबर, रेफरेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शन है दूसरा स्कैन का, स्कैन का ऑप्शन में हम लोग वीजा का टॉप में जो बारकोड रहता है, इसी बारकोड को स्कैन करके हम अपना वीजा को चेक कर सकते हैं। मैन्युअली भी हम चेक कर सकते हैं नंबर वगैरह डाल के, दूसरा हम स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं। स्कैनर देखिए, कभी कभार अगर काम नहीं करता है तो आप मैन्युअली चेक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीजा का वीजा नंबर डालेंगे। वीजा नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, वीजा में स्क्रीन के साइड पे आप लोग देखिए, वीजा का जो टॉप रहता है उसमें वीजा नंबर रहता है। नेक्स्ट हमें चाहिए MOI रेफरेंस नंबर, तो चलिए हम वीजा नंबर डाल देते हैं एक बार। तो अभी हम लोग डालेंगे वीजा का रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर हमें कहाँ पे मिलेगा, वीजा का जो बीच में है, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, यही है MOI रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर को आप लोगों को डालना है। उसके बाद डालना है आप लोगों को पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर आपका जो पासपोर्ट नंबर है वही डालिए, वीजा में भी आपका पासपोर्ट नंबर रहेगा। तो ये तीनों ही डालना है, उसके बाद हमें इंक्वायरी में क्लिक करना है। अगर हम इंक्वायरी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये सब डाल के हमें चेक करना पड़ता है। अगर हम स्कैनर पे क्लिक करेंगे, स्कैन करने से बारकोड को ऑटोमेटिकली दिखा देता है पूरा डिटेल्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंक्वायरी में क्लिक करके। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीजा का पूरा डिटेल्स दिखा रहा है एंड ऊपर में दिखा रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल। बाकी जो डिटेल्स दिखा रहा है, डिटेल्स आप लोग चेक कीजिए, आपका नाम बराबर है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बराबर है, आपका क्या काम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा काम का डिटेल्स दिखा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का नाम नीचे है जो अरबिक में है, आप लोग ट्रांसलेट करके कंपनी का नाम भी देख सकते हैं कौन सा कंपनी है। अभी रही बात वेटिंग फॉर अप्रूवल का, वेटिंग फॉर अप्रूवल किस लिए दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों का डाउट हो जाता है कि हमें कहाँ से अप्रूव करना पड़ता है। तो पहले हमें कुछ दिन पहले, हमें जब भी वीजा मिलता था सबसे पहले हमें एम्बेसी से अप्रूव करवाना पड़ता था, उसके बाद ही हमें मेडिकल जाना पड़ता था मेडिकल करने के लिए। लेकिन ये रूल्स भी चेंज हो गया है, अभी हमें एम्बेसी से पहले अप्रूव करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आपको इस वीजा को लेके सीधा जाना है मेडिकल करने के लिए। एक बार आपने मेडिकल हो गया, उसके बाद जब आप स्टाम्पिंग के लिए सबमिट करेंगे, स्टाम्पिंग जब सबमिट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए स्टाम्पिंग के लिए, क्या क्या आप लोगों को सबमिट करना है, कितना दिन में स्टाम्पिंग हो जाता है, इस रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो एक बार जब आपका वीजा स्टाम्पिंग हो जाएगा, उसके बाद ये जो वेटिंग फॉर अप्रूवल है इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। वहां पे आप लोग देख सकते हैं ये अप्रूव दिखाएगा ग्रीन कलर में। उसके बाद अगर आपका ECR पासपोर्ट है, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा। अगर ECNR है, इमिग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट टिकट लेके क्वेट में आ सकते हैं। तो गाइस, यही था क्वेट का वीजा चेक करने का प्रोसेस। जब भी आपको क्वेट का इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिलता है, सबसे पहले आप लोग चेक कीजिए, अगर आपका वीजा ओरिजिनल है तो यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा।
जब डिटेल्स दिखाएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो मेडिकल वगैरह है आप लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक सो